मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अस्पताल में भर्ती 9 मरीजों ने उपचार के बाद कोरोना को मात दी है। इस दौरान कलेक्टर गोपाल चड्डार्ड, एसपी सुनील कुमार पांडे और विधायक रवि जोशी की मौजूदगी में स्वस्थ होकर लौट रहे खरगोन और गोगांव के लोगों का स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ ने ताली बजाकर विदाई दी। अब तक जिले में 21 लोगों ने कोरोना से लड़ाई लेकर जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं जिले में 6 की मौत भी हो चुकी है। जिले में अब तक 61 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है। जिले की अब तक 34 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव है। कोरोना से जंग जीत कर मात देने वाले कोरोना योद्धाओं ने अस्पताल के स्टाफ का शुक्रिया करते हुए शासन प्रशासन का आभार मानते हुए कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत और जज्बे से कोरोना को हराया जा सकता है। अगर व्यक्ति यह समझ ले कि बीमार नहीं हूँ तो कोरोना को हराया जा सकता है। इधर कलेक्टर और स्थानीय विधायक ने भी एक साथ 9 लोगों के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर की। हालांकि कलेक्टर डार्ड ने संकेत दिया है कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में होने से अभी 1-2 सप्ताह और लॉकडाउन की अनुशंसा करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। और मैंने कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से निवेदन किया है कि मैं ब्लड डोनेट देने के लिए प्लाज्मा के लिए रेडी हूँ, ताकि अगर हमारे ब्लड डोनेट से और प्लाज्मा की वजह से अगर मानवता के खातिर किसी की जान बच जाती है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी और हमारे देश हित के लिए भी और मानवता के लिए भी बड़ा अच्छा पैगाम होगा। इसके लिए जो है वो मैं इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ कलेक्टर महोदय साहब से और एसडीएम साहब से कि वो हमारे ब्लड डोनेट ले लें और उससे प्लाज्मा रेडी करके जिन लोगों को ज़रूरत हो उनको पहुंचा दें, ताकि हमारे देश से कोरोना के जो पॉजिटिव हैं वो सारे स्वस्थ हो जाएं और हमारी रिपोर्ट अच्छी जाए। धन्यवाद। कोरोना का अच्छा बहुत बढ़िया स्टाफ का भी अच्छा हो रहा है, सहयोग रहा हमारे साथ और सब मरीजों के साथ भी उनका सहयोग रहा और कोरोना को हमने हरा दिया है खरगोन जिला के हॉस्पिटल में। मतलब नहीं क्या मतलब अभी क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपका इलाज हुआ और आज जब आप लोग स्वस्थ होकर लौट रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो हम इलाज अच्छा हुआ यहाँ पर और मालिक किसी को भी इस बीमारी से दूर रखे, आलम इंसानियत को जो है इस बीमारी से दूर रखे। अच्छा, हमारी ये दुआ है और सबके लिए शुभकामना है कि मालिक ना सबको जो है अच्छी सहूलतें और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामना है। नहीं, इसको इस बीमारी से लड़के जीता जा सकता है? हाँ, इस बीमारी से हमारे हिंदुस्तान में हमने बीमारी से लड़के जीता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब। कहाँ रहते हैं? गोगांवा शाहपुरा। मैं डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान, संजय नगर खरगोन का निवासी होकर मुझे यहाँ पर कोरोना की वजह से जो है वो एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने और सारे अमले ने हमारी बहुत अच्छी सेवा की, इसके लिए इनको ईश्वर जो है बहुत अच्छा बदला दे और बहुत अच्छा व्यवहार इन लोगों ने हमारे साथ किया। मालिक सबके साथ अच्छा व्यवहार करने के जो है इनको सद्बुद्धि दे और हमारे भारतवर्ष से और तमाम दुनिया से इस महामारी बीमारी को ईश्वर ख़त्म कर दे। मतलब क्या मानते हैं, कोरोना से जीता जा सकता है? जी, कोरोना से जीता जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर यह है कि आदमी मेंटेलिटी तौर से अपने आप को ये समझे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। अच्छी तरीके से भोजन करें, अच्छी तरीके से जो है खाना पीना साफ़ सफाई ये जो है वो नियमों का पालन करें तो बहुत जल्दी इस बीमारी से जो है आदमी कंट्रोल कर सकता है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान। दो लोग एक साथ स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सभी के लिए खुशी की बात है, खरगोन वासियों के लिए भी खुशी की बात है। एक समय शुरू में तो ऐसा लगा था कि खरगोन में बस्ट हुआ है, लेकिन 10-11 तारीख तक ही ये समस्या आई थी जब हम लगातार चेकिंग कर रहे थे। हम लगातार बहुत बड़ी मात्रा में सैंपलिंग कर रहे थे। ये पॉजिटिव जितने भी आए थे उस समय आ गए, उसके बाद उनको कंटेन किया गया और सबसे पहले तो इंदौर से 12 पॉजिटिव मरीज नेगेटिव होकर अपने घरों पर पहुंच चुके हैं। 12 के बाद ये 9 आज और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, इस प्रकार 21 डिस्चार्ज हो गए हैं। बचे हुए में भी हमने 11 के सैंपल फर्स्ट भेज दिए हैं, सेकेंड सैंपलिंग कर ली है, जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी, वो भी जल्दी ही रिलीज डिस्चार्ज हो जाएंगे। सर, नूर मोहम्मद जो निगेटिव होकर आए उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करने की बात कही परिवार से, ये टेक्निकल मैटर है, ये डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, प्लाज्मा कब लिया जाता है, कैसे होता है। यदि डोनेट करता तो खुशी की बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी के काम आएगा। यदि कोई मरीज ठीक होता है तो अच्छी बात है। 21 मरीज ठीक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंटेनमेंट एरिया भी कम हो गया शहर में खुलने के कारण? कंटेनमेंट एरिया इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा, इसके पीछे कारण है कि शहर में अभी भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या है।
दो कंटेनमेंट एरिया कम होने की संभावना है। वैसे कंटेनमेंट एरिया 4 वीक के बाद समाप्त होता है। यदि अंतिम रिपोर्ट आए उसके 4 वीक तक कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती तो कंटेनमेंट एरिया को समाप्त किया जा सकता है। अभी ऐसी स्थिति इस जिले में नहीं बनी है, अभी भी हमारी कुछ रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं। जब तक वो पेंडिंग रिपोर्ट्स नेगेटिव के रूप में हमारे सामने नहीं आ जाती हम कंटेनमेंट एरिया को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से सर 3 मई तक लॉकडाउन है और भी बढ़ सकता है अपने मरीज जैसे निकल जाए। हाँ, चूँकि ये हॉटस्पॉट है, खरगोन प्रॉपर हॉटस्पॉट के रूप में है, इसलिए इसकी मेरी रिकमेंडेशन तो रहेगी कि इसको 1-2 वीक और लॉकडाउन बढ़ाया जाए, कर्फ्यू बढ़ाया जाए। अभी ये सैंपलिंग हो पा रहा है, जैसे अभी एक दीपक वर्मा निकला था उसके परिवार के लोगों की नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चल रही, कल सैंपलिंग हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।